राखी बनूंगी। यहाँ पर छोटा छोटा इमली है, बहुत सारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज वंडरफुल। और मैं हूँ साथी। सो हम लोग हैं अभी छत पे, बारिश हुआ है तो छत देखिए पूरा गीला है, बारिश हो रहा है 2-3 दिन से। और आज है रक्षाबंधन, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं भी इस दिन को थोड़ा सा मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं तो जाने वाली हूँ 2-3 दिन बाद मायके, तो इस वजह से आज का दिन मिस हो गया। भाई भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो मुझे लेने आएगा, उसको छुट्टी भी नहीं है। तो मेरी तरफ से मेरे भाई को भी हैप्पी रक्षाबंधन। आज डुग्गू और बेटू का फर्स्ट रक्षाबंधन है, तो आज पहली बार फर्स्ट टाइम बेटू डुग्गू को राखी बांधेगी। प्यारा है, गुआवा नहीं है वो बेल है, बेल इतना बड़ा बड़ा बेल नहीं, वो अभी कच्चा है। कच्चा है, वो पकने के बाद खाया जाता है। और भाई के गिफ्ट दे भी आज के आज के देखते बाबा, देखते बाबा फिल्म पूछा पूछा और आते आते रखा वो देखिए 50 रुपीज। ना 50 पैसा, 50 पैसा मुझे 50 रुपीज। ऊपर से नीचे आने के बाद डुगू को ब्रेकफास्ट करवा के मैं नहा चुकी हूँ। और बेटू भी चली गई थी अपनी दादा के साथ मार्केट, तो वो ये 2 राखी पसंद करके लाई है। तो ठीक है, तो यही बंधेगी आज उन दोनों के हाथ में। तो चलिए चलते हैं बाहर। और डुगू है अपने दादा के पास, तो ऐसे ही चला गया है, अभी उसे पानी देखना है। और आज है थर्सडे, तो आज एकदम भेज है, तो यहाँ पे सूखी पीस दिया था उसका करी बनेगा। और लौकी सीड लगा था, देखिए कितना अच्छा सा हरा भरा हो गया है पौधा। और जो मैं कलकत्ता से लाई थी ना, इसमें देखिए कलिया भी आ गया है। तो चलिए अभी पीस को जो है मैं बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा पोटैटो के साथ ही बॉयल करूँगी उसको, तो आज ज़्यादा कुछ तो बनाऊँगी नहीं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर बेटू को और डुगू को भी तैयार करूँगी। और अभी डुगू बैठी है उसके दादी के साथ, क्या करे पता है, लकड़ी डाल रही है चूल्हे में। अभी जो वो देखता है ना, वही कॉपी करने का कोशिश करता है। और यहाँ पे मैंने पोस्तो बना लिया है, और मैं आज जिंजर और टमाटो देके ही ये करी बनाऊँगी सूखी पीस की। और जैसे कि बोला एकदम भेज है, तो प्याज लहसुन किसी का भी इस्तेमाल आज हम नहीं करेंगे, एकदम भेज सिंपल सा। तो यहाँ पे पीस भी बॉयल्ड हो चुका है, मसाला भी फ्राई कर चुकी हूँ, तो उसमें अभी ऐड कर दूँगी। और ज़्यादा मैंने बॉयल नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा अगर पीस बॉयल्ड हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ऐसे साबुत रहने से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पीस का करी भी बन चुका है। और आज शाम को दाल पीठा बनाएंगे हम लोग, मतलब सास बनाएंगे। तो इसके लिए ससुर जी जो है वो चावल को थोड़ा सा छान के रख रहे हैं ताकि रेत जो है वो निकल जाए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़ा सा साग, मूली साग है ये, सिंपल सा ऐसे फ्राई करके बना रही हूँ। और कुकिंग करने के बाद अभी मैं बेटू को और डुगू को तैयार करूँगी। तो डुगू के लिए कपड़ा निकाल लिया, और बेटू के लिए ये जो मैं साड़ी से बनाई थी आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर भी किया था, तो आज पहने हुए आप लोग देख लोगे क्योंकि राइस सेरेमनी का वीडियो तो मैंने डाला नहीं था, तो इसलिए अब नहीं देखे होंगे। और जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने अलमीरा खोला था, तो अभी डुगू कोशिश कर रहे हैं कि अलमीरा खोलने की। तो चलिए रक्षाबंधन का जो सेरेमनी है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी परी जो है वो रेडी हो चुकी है, कैसे लग रहा है आप बताना। और डुगू भी रेडी हो चुका है, देखिए जैसे मुंह फुला के बैठा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
जैसे तैसे करके बेटू ने डुगू को राखी तो पहनाया, पर थोड़ी देर में एक सेकंड में ही उसने राखी को एकदम बड़ा बजा दिया। देखो क्या क्या कर रहा है अभी आप देख सकते हो। और बेटू को भी राखी पहनना था तो मैंने मम्मी को बोला कि आप पहना दो एक बेटू को राखी, इसको भी पहनना है तो पहना दिया है। अभी तो ये सेरेमनी तो ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग करेंगे लंच। বলছি তো পরের বছর ভালো রাখি কিনে দেবো, ঠিক আছে? পরের বছর আমি দিতেই দেবো না, আমি রাখি বলে আগে রাখি। কি করলে? হ্যাঁ দিদি ভাই, রাখিটা ছিঁড়ি ছিঁড়ি করে দিলে, কই দেখি, দেখো বোম্মাই কি করলি। বসি এখানে, বসি, হ্যাঁ এইখানে এইখানে এখানে এখানে টিটকা করতে হবে না ওকে। तो चलिए गाइस, आज इन दोनों का बदमाशी तो जारी रहेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।